दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की कहानी है एक वेश्या की कहानी। अन्नू, तुम यहाँ पर कैसे? ये शब्द कान में पड़ते ही अन्नू ने अपनी गहरी काजल भरी निगाहों से उस शख्स को गौर से देखा और अचानक ही उसके मुंह से निकल पड़ा, राकेश भैया। वो शख्स हामी भरते हुए बोला, हाँ मैं राकेश, लेकिन भैया आप यहाँ कैसे? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अन्नू तुम यहाँ कैसे? अपनी आंखों में आए आंसुओं के सैलाब को रोकते हुए अन्नू, जिसका असली नाम अनिता था, बोली, जाने दीजिए भैया, क्या करेंगे आप जानकर, चलिए मैं आपको किसी और लड़की से मिलवा देती हूँ, मुझसे तो आपके लिए यह काम नहीं होगा। नहीं अन्नू, मैं हकीकत जाने बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। आखिर तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा भाई राम और इन हालात में एक कालगल के रूप में। अन्नू, सच सच बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुंची? हमें तो लगा कि तुम प्रकाश, वो तुम्हारा प्रेमी था, तुम अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। कितनी पूछताछ की राम ने उससे तुम्हारे लिए, लेकिन वह तो कुछ दिनों के लिए खुद ही नदारद था। आप ठीक कहते हैं राकेश भैया, लेकिन अब सच जानकर भी क्या फायदा? सब मेरी ही तो गलती है जो सजा भुगत रही हूं। सच ही था, मैं और प्रकाश एक दूसरे को प्यार करते थे। वह मेरे कॉलेज का दोस्त था। आपको याद होगा कि हम दोनों कॉलेज से एक फील्ड ट्रिप के लिए शहर से बाहर गए थे। वहीं पर हमारे मन में प्यार के अंकुर फूटे और धीरे धीरे हमारा प्यार परवान चढ़ गया था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते होते घर में मेरी सगाई की बातें चलने लगी थी। मैंने पापा मम्मी को जैसे ही प्रकाश के बारे में बताया तो वो आग बबूला हो उठे। मुझे लगा कि कहीं वे लोग मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से ना करा दें। सो मैंने सारी बात प्रकाश को बताई। प्रकाश ने मुझे भरोसा दिलाया और कहा, अनिता ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। अब मैं घर में होने वाली हर बात उसे बताने लगी थी और जैसे ही मुझे लगा कि पापा मम्मी मेरी मर्जी के खिलाफ शादी तय करने जा रहे हैं, मैंने प्रकाश को सब बता दिया। उसी शाम वह मुझसे मिला। मैं खूब रोई और बोली, मुझे कहीं भगाकर ले चलो प्रकाश, वरना मैं किसी और की हो जाऊंगी और हम हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। प्रकाश ने कहा, मैं अपने घर में बात करता हूं अनिता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगले ही दिन प्रकाश मेरे लिए अपनी मम्मी के दिए कंगन लेकर आया और बड़े ही अपनेपन से बोला, अनिता यह माँ का आशीर्वाद है हमारे लिए, वे तो तुम्हें बहू बनाने के लिए राजी हैं पर पिताजी नहीं मान रहे हैं, सो हम दोनों घर से भाग जाते हैं। मैंने पूछा, लेकिन हम भाग कर जाएंगे कहाँ? वह बोला, वैसे तो हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन वाराणसी में मेरा एक दोस्त रहता है, मैंने उससे बात की है, वह वहाँ नौकरी करता है, हम उसी के पास चलेंगे, वह अपनी ही कंपनी में मेरे लिए नौकरी का इंतजाम भी कर देगा। प्रकाश ने यह भी समझाया, हम वहां रजिस्टर्ड शादी कर लेंगे और फिर अपने घर का इंतजाम भी वहीं कर लेंगे। शायद कुछ समय में हमारे मम्मी पापा भी इस शादी को रजामंदी दे दें। मुझे उसकी बातों में सच्चाई नजर आई और मैंने उसके साथ भाग जाने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन मैं घर से कुछ कपड़े व रुपये लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। हम दोनों प्रकाश के दोस्त के घर पहुंचे और वहां दो दिन में ही प्रकाश ने नौकरी शुरू कर दी। 5 दिन बाद उसका दोस्त मुझसे बोला, भाभी प्रकाश ने आपको बाहर कहीं बुलाया है, आप तैयार हो जाए, मैं आपको वहां ले चलता हूं। एक बार तो मुझे लगा कि प्रकाश ने मुझे क्यों नहीं बताया, पर अगले ही पल मैं उसके दोस्त के साथ चली गई। मैं जहां पहुंची वहां प्रकाश पहले से ही मौजूद था। उसने मुझे एक आंटी से मिलवाया और बोला, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ये उसकी मालकिन है। वे आंटी भी मुझसे बड़े प्यार से मिली। कुछ देर बाद प्रकाश बोला, अनिता मैं कुछ देर के लिए बाहर होकर आता हूँ।
तब तक तुम यही रहो। एक बार को मुझे घबराहट हुई, पर आंटी की प्यार भरी छून में मुझे माँ का रूप नजर आया, सो मैं वहां रुक गई। उसके बाद मेरी जिंदगी में जैसे तूफान आ गया। मुझे एक ही रात में समझ आ गया कि प्रकाश मुझे थोड़े से रुपयों के लालच में उन आंटी के हाथों बेच गया था। अब हर रात अलग अलग तरह के ग्राहक आने लगे। मैंने आंटी के खूब हाथ पैर जोड़े और रो रो कर कहा, आंटी प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं भले घर की लड़की हूँ, मेरे मम्मी पापा भाई क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन आंटी ने मेरी एक न सुनी। पहले दो लड़कों ने मेरा बलात्कार किया और मुझे कई दिन तक भूखा रखा गया। जब मैं मानी तब खाना दिया गया और इलाज भी कराया गया। सब लड़कियों ने कहा कि इनकी बात मान जाओ, क्योंकि बाहर तो अब कोई अपनाएगा ही नहीं। मैं रोज सजधज कर तैयार होने लगी, लेकिन मुझे बार बार अपने किए पर पछतावा होता। एक बार वहां से भागने की कोशिश भी की, पर पकड़ी गई। उस रात आंटी ने मेरी खूब पिटाई की और उनके दलाल भूखे भेड़ियों की तरह मेरे ऊपर टूट पड़े। वहां की एक लड़की प्रिया ने मुझे समझाया, अनिता अब तुम्हारे पास इस नरक से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे साथ कितनी बार तो आंटी के आदमियों ने गैंगरेप किया, तुम्हें क्या हासिल हुआ? इससे तो ग्राहकों की भूख मिटाओगी, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। समझौता करने में ही समझदारी है। उस समय मुझे प्रिया की बात ठीक ही लगी और मैंने अपने आप को आंटी को सौंप दिया। आंटी बहुत खुश हुई और मुझे प्यार से रखने लगी। बस तब से मेरी ग्राहक को पटाने की ट्रेनिंग शुरू हुई। मुझे दूसरी औरतों के साथ रात के समय सजधज कर भेज दिया जाता। सड़क के किनारे खड़ी होकर दूसरी लड़कियां अपनी अदाओं से आते जाते मर्दों को रिझाती। मैं उन्हें देखकर दंग रह जाती। हर कोई मोटा मुर्गा फंसाने की फिराक में रहती। अनिता की बात सुनकर राजेश ने थोड़ा गुस्से में पूछा, तुम जब बाहर निकली तो रात के समय वहां से भाग क्यों नहीं गई? कैसी बातें करते हैं भैया आप, भागना इतना आसान होता तो क्या मैं इस धंधे में टिकी रहती? आंटी के दलाल पूरी चौकसी रखते हैं हम पर। अनिता की कहानी सुनकर राकेश की आंखों से आंसू बह निकले। अनिता आगे बताने लगी, दूसरी लड़कियों के साथ मैं भी धीरे धीरे ग्राहक पटाने की ट्रेनिंग ले चुकी थी। शुरू में तो ग्राहक पटाना भी बहुत बुरा लगता था। रात के समय सड़क पर घटिया हरकतें कर अपने अंग दिखाकर उन्हें पटाना पड़ता था। उस पर भी लड़कियों आपस में होड़ मची रहती थी। मैं किसी ग्राहक को जैसे तैसे पटाती तो रास्ते से ही दूसरी लड़कियां कम पैसों में उसे खींच ले। भैया मैं नहीं थी, मुझसे ग्राहक पटते ही नहीं थे तो आंटी बहुत नाराज होती। सड़क पर ग्राहक ढूंढने के लिए खड़ी होती तो लोगों की लालची मुस्कान देखकर मेरा दिल दहल जाता। जब कोई पास आकर बात करता तो डर के मारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती। कोई कोई तो मेरे पूरे बदन को छू कर भी देखता। बस इतना ही, और उसके लिए तुम्हारी देह का सौदा हर रात होता है, राकेश ने कहा। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे जिन्हें रोकने की वह नाकाम कोशिश कर रहा था। बहुत बुरा हाल था भैया, एक बार एक आदमी बहुत नशे में था। मुझे उसके मुंह से आती शराब की बदबू बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने उसे अपना मुंह फेर लिया। वह मुझे गाली देते हुए बोला, तू खुद क्या दूध की धुली है, और उसने मुझे पूरे बदन पर सारी रात दांतों से काट डाला। मैं बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, पर कोई मेरी मदद को ना आया। हर ग्राहक को नाराज कर देती है, तेरे प्रेमी को ऐसा क्या दिखा था तुझमें, क्या सुख देती तू उसको, इसीलिए शायद यहां सड़ने पर पटक गया तुझे। यह सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोच लिया कि अब काम करूंगी तो ठीक से। फिर तुम वाराणसी से मुंबई कैसे पहुंच गई अन्नू, राकेश ने पूछा। वाराणसी छोटा सा शहर है, लोग पैसा कम देते हैं, ऊपर से कई तरह की छूत की बीमारियां हमें दे जाते हैं। जो पैसे मिलते वे बीमारियों पर ही खर्च हो जाते। एक बार मुंबई की कुछ लड़कियां हमें ट्रेनिंग देने आई, मैंने उनसे कहा कि मुझे भी मुंबई ले चलिए, कम से कम बड़े शहर के लोग रकम तो अच्छी देंगे, मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूं और अंग्रेजी भी बोलती हूं।
इसलिए उन्हें मैं मुंबई के लायक लगी, सो मुझे यहाँ भेज दिया। बस तब से मैंने इसे अपने कारोबार की तरह अपना लिया। कई बार रेड पड़ी, थाने भी गई। शुरू में डरती थी, लेकिन अब मन को मजबूत कर लिया। अब कोई डर नहीं, जब तक जिंदगी है इसी नरक में जीती रहूंगी। अब तो ग्राहक भी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर मिल जाते हैं। कोडवर्ड होता है जिससे हमारे दलाल बात करते हैं, और वह ठहाका लगा कर हंस पड़ी। राकेश अनिता के चेहरे पर दिखाई की हंसी पड़ चुका था, फिर भी उसने पूछा, निकलना चाहती हो इस नरक से? वह बोली, कौन निकालेगा भैया, आप? और उसके बाद कहाँ जाऊंगी, अपने मम्मी पापा के घर या आपके घर? कौन अपनाएगा मुझे राकेश भैया, अब तो मेरी अर्थी इन गंदी गलियों से ही उठेगी। वह बोली और फिर जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ी। भैया, मेरी तो सारी बातें पूछ ली, पर आपने अपनी नहीं बताई कि आज आप यहाँ कैसे, आपकी शादी हुई या नहीं? आप तो बहुत नेक इंसान हुआ करते थे, फिर यहाँ कैसे? अनिता ने पूछा। पूछो मत अन्नु, मेरी पत्नी किसी और के साथ संबंध रखती है, मुझे तो जैसे नकार ही दिया है। दो बच्चे भी हैं, मन तो उनके साथ लगा लेता हूँ, पर तुमसे कैसे कहूँ? तन की भूख मिटाने यहाँ चला आता हूँ, कभी कभी मुझे नहीं मालूम था कि आज इस जगह तुमसे मिलना होगा। सच पूछो तो समझ नहीं आ रहा है कि आज मैं तुम्हें गलत समझूं या सही। तुम जैसी न जाने कितनी लड़कियां हम मर्दों को सुख देती हैं और हमारे घर टूटने से बचाती हैं। हम मर्द तो एक रात का सुख लेकर खुश हो जाते हैं, पर हमारे चलते मजबूरी की मारी लड़कियां अपनी जिंदगी को इस नरक में जीने के लिए मजबूर होती हैं और इन बंद गलियों में कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीती हैं। मुझे माफ करो अन्नू, यह लो तुम्हारी एक रात की कीमत। इतना कहकर राकेश ने अन्नू की तरफ पैसे बढ़ा दिए। अनिता ने कहा, भैया मेरा दर्द बांटने के लिए शुक्रिया, पर किसी को घर में न बताना कि मैं यहाँ हूँ। मेरे मम्मी पापा और भाई मुझे गुमशुदा ही समझ कर जीते रहे तो अच्छा, वरना वे तो जीते जी मर जाएंगे। और इस रात की कोई कीमत नहीं लूंगी आपसे, आज आपने मेरा दर्द बांट, किसी दिन शायद मैं आपका दर्द बांट सकूं। अपनी बहन समझ कर आना चाहे तो या फिर आ जाए अभी। सुबह होने को थी। राकेश चुपचाप वहां से उठकर अपने घर आ गया और ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आप बताएं कमेंट में ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, ऐसी ही औसम कहानियां पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल औसम कहानियां को प्लीज लाइक करना और अपने खूबसूरत दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।